हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइट जोन। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है ये है एलईडी ट्यूबलाइट। में मार्केट में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या साइजेस अवेलेबल है, कौन से कलर ऑप्शंस अवेलेबल है और साइजेस में क्या वोल्टेज आते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ब्रांड नॉन ब्रांड दोनों भी आज मैं डिस्कस करूँगा और वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल जाएगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो नए नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको भी इसी तरह मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख में मार्केट में आपको दो तरह की ट्यूबलाइट देखने मिलेगी। जनरली तो T5 करके ट्यूबलाइट्स आती है, जो बेसिक ट्यूबलाइट आप अपने घर में यूज़ कर रहे हो, और कोई भी ब्रांड में अगर आप लेने जाते हो तो आपको T5 की ट्यूबलाइट मिलती है। बट मार्केट में दो ट्यूबलाइट्स अवेलेबल है, एक को बोलते हैं T5 और एक को बोलते हैं T8। आप ये दोनों मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप दोनों देख सकते हो। दोनों के ऑप्शंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे। T5 जनरली बेसिक ट्यूबलाइट्स हैं जो हर ब्रांड में आपको अवेलेबल मिल जाती है। ट्यूबलाइट बोलोगे तो आपको पहले T5 दी जाती है, तो आप ये देख सकते हो। दोनों में आपको चार साइजेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट एंड 4 फीट। ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे इजीली। इसमें जो 3 फीट का ऑप्शन है कुछ कुछ एरिया में आपको नहीं मिलेगा, उसकी डिमांड काफ़ी कम होती है। कोई भी घर में अगर बड़ी साइज़ लगानी है तो वो 4 फीट ही परचेस करते हैं जनरली। 3 फीट की साइज़ बहुत कम एरिया में लगती है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स है, साइज़ 4 फीट की नहीं लग सकती, तो ही बंदा 3 फीट की परचेस करता है और 3 फीट यूज़ करता है, क्योंकि प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 4 फीट की जो साइज़ है काफ़ी बेसिक साइज़ है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव उसके रेट्स है। तो अगर आप 3 फीट की लीजिए और 4 फीट की लीजिए तो प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए मेजोरिटी पीपल 4 फीट की साइजेस प्रीफर करते हैं, बिकॉज वोल्टेज भी ज़्यादा मिलता है, ब्राइटनेस भी ज़्यादा मिलता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो लोग 3 फीट परचेस करते हैं। अगर आपको भी 3 फीट की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने एरिया में सर्च कर सकते हो। अगर आप 1 फीट की ट्यूबलाइट लेने जाते हो तो अगर आप T5 में लोगे तो आपको 5 वॉट मिलेगी, मैक्स टू मैक्स कुछ कुछ कंपनी में 6 वॉट मिलेगी। तो 5 to 6 वॉट में आपको 1 फीट लेनी पड़ेगी। और उसी जगह पर अगर आप T8 ट्यूबलाइट लेते हो तो T8 ट्यूबलाइट में आपको 8 वॉट से लेके 12 वॉट तक के ऑप्शंस मिल जाएगी। हो सकता है अलग अलग एरिया में अलग अलग वोल्टेज मिले, बट 8 वॉट मिनिमम आपको मिल जाएगा T5 में, और मैक्स टू मैक्स आपको 12 वॉट मिलेगा 1 फीट की ट्यूबलाइट में। तो आपको वाइट कलर, वॉर्म वाइट कलर और नेचुरल वाइट कलर तीनों के ऑप्शंस मिल जाएंगे और 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। कुछ टाइम पहले सब ट्यूबलाइट में आपको 2 साल की वारंटी मिलती थी, प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी। प्राइस आज की तारीख में काफ़ी कम हो चुकी है और कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, तो इसलिए प्राइस की वजह से इसमें वारंटी भी काफ़ी, हर कंपनी ने वारंटी भी कम कर दी है। तो आपको 1 ईयर की वारंटी कोई भी ब्रांड में और कोई भी नॉन ब्रांड में आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको पीस टू पीस रिप्लेस करके मिलता है। तो ये हो गई हमारी 1 फीट की। उसी तरह अगर आप 2 फीट लेने जाते हो तो अगर T5 की ट्यूबलाइट अगर आप लेते हो तो T5 में आपको 10 वॉट से लेके 12 वॉट तक के ऑप्शंस मिलेंगे। मैक्स टू मैक्स आपको सारी ब्रांड में 10 वॉट्स मिलेगा, 10 वॉट्स आपको T5 में मिलेगा। उसी तरह अगर आपको T8 में लेने जाते हो तो T8 में आपको 18 वॉट से लेके 20 वॉट तक के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये आपको ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस मिलेगी आपको। अगर आपको 2 फीट छोटी साइज़ में आपको ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी मिलती है, जनरली 4 फीट में आपको 18 वॉट एंड 20 वॉट मिलती है, बट T8 की ट्यूबलाइट लोगे तो आपको 2 फीट के अंदर आपको 18 वॉट से लेके 20 वॉट तक के ऑप्शंस मिल जाएंगे। कुछ कुछ ब्रांड में भी अवेलेबल है और कुछ नॉन ब्रांड में भी अवेलेबल है। सारी ब्रांड में अवेलेबल नहीं है, कुछ ब्रांड में आप चेक कर सकते हो, बट 1 ईयर की वारंटी के साथ क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। इसके अलावा 3 फीट की जो ट्यूबलाइट्स आती है ये आपको सिर्फ T5 में मिलेगी। T8 में 3 फीट के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो आप T5 में ले सकते हो। उसमें भी आपको मैक्स टू मैक्स 14 वॉट से 16 वॉट तक के ऑप्शंस ही मिलेंगे, उसमें ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। मैंने पहले ही बताया आपको उसकी रनिंग काफ़ी कम है, डिमांड काफ़ी कम है, इसलिए 3 फीट में आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं 4 फीट की। 4 फीट में अगर आप T5 ट्यूब लेने जाते हो, सारी ब्रांड में अवेलेबल है। T5 में आपको 4 फीट में मिलेगी 18 वॉट से लेकर 22 वॉट तक। कुछ ब्रांड में 18 वॉट्स अवेलेबल है, कुछ ब्रांड में 20 वॉट्स अवेलेबल है, कुछ ब्रांड में 22 वॉट्स अवेलेबल है, और कुछ कुछ ब्रांड है जिसमें आपको तीनों वोल्टेज मिल जाएंगे। जैसे सिस्का ब्रांड में आपको बताओ, आपको 18 वॉट भी मिलेगा, वहाँ पे आपको उनके पास 20 वॉट भी मिल जाएगी, उनके पास 22 वॉट भी मिल जाएगी। तो ये एक ब्रांड की मैंने बात की। वैसे बहुत सारे ब्रांड में तीनों साइज़ भी अवेलेबल है, कुछ कुछ साइज़ भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। तो 4 फीट में आपको 18 वॉट से लेकर 22 वॉट के ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आप T5 की लेते हो। तो उसी जगह पर अगर आप T8 ट्यूबलाइट लेते हो तो T8 ट्यूबलाइट में आपको
36 वॉट से लेके 40 वॉट तक के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 27 वॉट है, 32 वॉट है, बट हर एरिया में अवेलेबल नहीं होगा। 36 वॉट से लेके 40 वॉट हर एरिया में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा और काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस उसकी रहती है। अगर आपका एरिया काफ़ी बड़ा है, एक ही ट्यूबलाइट लगा रहे हो, तो आप इस तरह के TA ट्यूबलाइट यूज़ कर सकते हो जो आपको सफिशेंट ब्राइटनेस देगा। ये सारी ट्यूबलाइट में आपको तीन कलर के ऑप्शंस मिलेंगे, वाइट, वॉर्म वाइट और नेचुरल वाइट। इसमें वाइट की डिमांड ज़्यादा होती है तो ज़्यादा करके वेंडर के पास आपको वाइट कलर ज़्यादा देखने मिलेंगे। तीनों ऑप्शंस मिलते हैं बट वाइट कलर ज़्यादा चलते हैं और उसके बाद वॉर्म वाइट कलर ज़्यादा चलता है, तो दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। सारी साइज़ में आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी, पहले 2 ईयर्स की मिलती थी बट अभी 1 ईयर की हो चुकी है। कोई भी लीजिए आप, ब्रांड या नॉन ब्रांड, सारी में प्राइस काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं और प्राइस सारे एरिया में अलग अलग है, तो आप प्राइस अपने वहाँ चेक करके लीजिए और काफ़ी इजीली अवेलेबल है। तो आज की जो मैंने आपको साइजेस बताई, इसमें आपको ये तीन कलर के ऑप्शंस तो मिलेंगे, इसके अलावा अगर आपको कलरफुल ट्यूबलाइट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी मार्केट में अवेलेबल है, वो सिर्फ आपको T5 में मिलेगी। T5 ट्यूबलाइट में काफ़ी ट्यूबलाइट्स में आपको 1 फिट, 2 फिट एंड 4 फिट में आपको रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, ये सारे कलर भी मार्केट में अवेलेबल है। कुछ कुछ ब्रांड में भी अवेलेबल है, जैसे कि पैनासोनिक ब्रांड में अगर आप जाओगे तो आपको रेड, ब्लू, ग्रीन कलर के ऑप्शंस भी आपको 4 फिट की साइज़ में मिल जाएंगे। 1 फिट, 2 फिट एंड 4 फिट की तीनों साइज़ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ज़्यादा करके नॉन ब्रांड में काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे, ब्रांड में कुछ कुछ ब्रांड करती है कलर्स और कुछ कुछ ब्रांड में कलर्स नहीं ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। आपको जो भी कलर की रिक्वायरमेंट है तो इवन कलर ट्यूबलाइट भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये थी आज के ट्यूबलाइट की सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, तो नए नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन इसी तरह से आपको मिलती रहेगी। तो खुश रहेगा इस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।